सत श्री अकाल एबीपी साझा देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं चरणजीत कौर। करनाल दे विच एक नापाक साजिश नाकामयाब की गई जिस दे तार जुड़े पंजाब तो हुंदे हुए पाकिस्तान दे नाल। अजिहा इसलिए क्योंकि सरहद दे पार पाकिस्तान दे विच बैठे हुए हरविंदर सिंह रिंदा दे कहन दे मुताबिक ही चार मुलजम हथियारां दी खेप पहुंचाउण दे लई फिरोजपुर तो निकले। उन्होंने आदिलाबाद जाना सी पर हरियाणा दे करनाल दे विच ही उन्हां दी साजिश नाकामयाब हो गई। हरियाणा के करनाल जिले की पुलिस ने चार मुलजमान हथियारों से बारूद सने वीरवार सवेरे नैशनल हाईवे तो गिरफ्तार किया। मुलजम इनोवा गड्डी दे विच हाईवे तो लंघ रहे सन। इंटेलिजेंस ब्यूरो नू इस बारे खुफिया जानकारी मिली सी। पुलिस अते सुरक्षा एजेंसियां ने मिल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा के नेड़े नाका लाया होया सी। इनोवा गड्डी नू चेकिंग दे लई रोकिया गया। गड्डी दी तलाशी लैण ते असला ते बारूद बरामद होया। जो बरामदगी हुई है उस दे विच एक पिस्तौल, 31 कारतूस, 3 IED, 1,30,000 करंसी ते 6 मोबाइल ने। इनोवा गाड़ी में पंजाब की तरफ से 4 आतंकवादी एक गाड़ी में जा रहे थे। इनपुट मिलने पर हरियाणा पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। उनके पास से काफ़ी बारूद मिला है। अभी तक जो बरामद की हुई है वो एक देसी जो पिस्टल है, वो 31 जिंदा कारतूस, 3 जो लोहे के कंटेनर जिनका 2.5 किलो के आसपास वजन है जिसमें एक्सप्लोजिव्स हैं वो, और 1,30,000 रुपये के आसपास बरामद। तुरंत एक्शन लेंदिया इनोवा विच सवार चारा नू गिरफ्तार कर लिया गया। चारे मुलजम पंजाब दे ने, 3 फिरोजपुर जदकि 1 लुधियाना जिले का रहने वाला है। फड़े गए मुलजमान की पछाण गुरप्रीत सिंह वजो हुई है जो पिंड विंजो के जिला फिरोजपुर का रहने वाला है। अमनदीप सिंह उसका भरा है जदकि परमिंदर सिंह जिला फिरोजपुर के पिंड मखू का रहने वाला है और भुपिंदर सिंह लुधियाना के पिंड पट्टिया का रहने वाला है। देखिए डेफिनेटली जैसे ही हमें सुबह इन्फॉर्मेशन मिली, जो क्रेडिबल इनपुट मिला था उसी इनपुट पे हमने कार्रवाई की थी और हमारी टीमें को हमने अलर्ट किया और सुबह सुबह के आसपास हमारी डायल 112 ही गाड़ी है बड़ी तुरंत से वहाँ पर बस्ताड़ा टोल के पास में पहुँची और हमारी जो लोकल पुलिस स्टेशन गाड़ी है वो भी तुरंत मौके पर पहुँच गई SHO समेत और चारों जो टीमें हैं इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से काम किया और लोगों उनको चारों जो युवक हैं इनको राउंड अप किया। जो 3 आरोपी हैं वो फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले हैं और 1 आरोपी लुधियाना का रहने वाला है। पाकिस्तान दे विच बैठे गैंगस्टर हरविंदर रिंदा ने फिरोजपुर दे विच ड्रोन दे जरिए इन्हां मुलजमां नूं हथियार भेजे सन। रिंदा नाल इन्हां मुलजमां दी कड़ी राजबीर ने जोड़ी सी। राजबीर नांदेड़ दा रहण वाला है, रिंदा भी नांदेड़ दा ही है, इसलिए राजबीर अते रिंदा करीबी ने। हालांकि हुण राजबीर कादियां तहसील बटाला जिला गुरदासपुर दा वसनीक है। लुधियाना जेल दे विच राजबीर ने गुरप्रीत नूं रिंदा दी सिग्नल ऐप ID दित्ती सी, नाल ही कहा सी कि रिंदा पैसे भी देवेगा। मखू दे आकाशदीप दे खेत दे विच ड्रोन नाल हथियार अते बारूद सुट्टिया गया सी। गुरप्रीत अते उसदे साथियां ने इन्हां हथियारां नूं चुक्या। रिंदा ने हथियार अते बारूद पहुंचाउण दे लई तेलंगाना दे आदिलाबाद दी लोकेशन गुरप्रीत नूं भेजी कि इह समान उत्थे छड्डना है। देखिए इनको जो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो एक लोकेशन भेजता है, उस लोकेशन पे ये जो फिरोजपुर में जहाँ पर ड्रोन के जरिए सप्लाई होती है वो भी जो गुरप्रीत है उसका एक फ्रेंड है आकाशदीप, उसी के ननिहाल का खेत है वो, उन्होंने लोकेशन इन्होंने उनको भेजी थी ताकि वहाँ पर सप्लाई पहुँचाई जा सके। ड्रोन के जरिए वहाँ पर सप्लाई होती है, फिर ये वहाँ से जो भी विस्फोटक पदार्थ या हथियार आते हैं उसको फिर ये हरविंदर सिंह रिंदा के द्वारा बताई गई लोकेशन पर रख करके आ जाता है।
जी, जो एक्चुअल में जो गुरप्रीत नाम का जो इन चारों में से मुख्य आरोपी है वो पहले जेल में रहा था। इसी दौरान उसकी एक मुलाकात एक राजवीर नाम के शख्स से हुई। राजवीर हरविंदर सिंह रिंदा का पहले से ही पुराना एसोसिएट रहा है। वो राजवीर सिंह भी जो है वो उसके हरविंदर सिंह रिंदा के लिए काम करता था। राजवीर ने इसकी उसकी जो है संपर्क उससे हरविंदर सिंह रिंदा जो पाकिस्तान बेस्ड है उससे उसकी बात करवाई। इसके बाद में पिछले 9 महीने से लगातार कॉन्टैक्ट में थे। वो वहाँ से सप्लाई इसको भेजता था, ये उसकी बताई गई लोकेशन पर रख के आता था और उसके बदले में इसको पैसे देता था। दर्ज हुई FIR दे विच गिरफ्तार चारा मुलजमान सने राजबीर अते हरविंदर रिंदा दा भी नाम है। गैर कानूनी गतिविधियां, तमाका खेत समगरी सने आम जैक दियां तारावां तहत करनाल दे थाना मधुबन दे विच इना 6 मुलजमान खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस वक्त असीं करनाल दे मधुबन पुलिस स्टेशन दे बाहर खड़े हाँ ते विजुअल्स तुहानू दिखा रहे ने उस इनोवा गड्डी दे जिस दे विच चार बब्बर खालसा दे ऑपरेटिव ट्रैवल कर रहे सीगे जिन्हां नूं गिरफ्तार किया गया ते करनाल दे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस खुद चैक करन वास्ते पहुंचे ने इस गड्डी नूं, चैक कर रहे ने। तमाम पुलिस टीम जिहड़ी है SP करनाल जिहड़े ने उन्हां दे नाल जिहड़ी है इस गड्डी नूं चैक किया जा रहा है। इह उही गड्डी है, दिल्ली नंबर दी गड्डी जिहड़ी है जिस दे विच बब्बर खालसा दे चारों ऑपरेटिव जिहड़े सीगे उह ट्रैवल कर रहे ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਾੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਤੇ ਵੈਪਨ ਤੇ ਕਾਰਟ੍ਰੀਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਕਾਰਟ੍ਰੀਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ SP ਨੇ ਉਹ ਮਧੂਬਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋਰੋ ਚੈਕਿੰਗ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਤੇ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਐਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ SP ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸਬਸਟਾਂਸ ਮੌਜੂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਥੋਰੋ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ SP ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨਾਲ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਐਡ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਨੀਫਰ ਡੌਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਨੀਫਰ ਡੌਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 4 ਆਪਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਸਤਾੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ UAPA ਅਨਲੋਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ CIA ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ CIA ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ CIA ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸਦਾ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾਲ CIA ਆਫਿਸ ਹੈ, CIA 1 ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤਾਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤਾਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 4 ਸਸਪੈਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇਨਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਉਸਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸਸਪੈਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ SP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 3 IEDs ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 IEDs ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ ਕਾਰਟ੍ਰੀਜਿਸ ਉਹ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਤਮਾਕਾ ਕੇ ਸਮਗਰੀ ਵਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ।
करनाल तो फड़े गए मुलजमान नूं 10 दिन दे पुलिस रिमांड ते भेजा गया। इन्हां दे विचों 3 फिरोजपुर दे रहण वाले ने, जदों कि एक लुधियाणा दा रहण वाला है। इन्हां दे परिवारां दे नाल एबीपी सांझा ने राबता कीता। की कह रहे ने इन्हां दे परिवार, देखदे हां इस रिपोर्ट दे विच। करनाल तो गिरफ्तार किए चारे मुलजम पंजाब नाल संबंधित ने, जिन्हां नूं गुरप्रीत ते अमनदीप फिरोजपुर के पिंड विजोग के रहण वाले ने अते सगे भरा ने। इन्हां दी गिरफ्तारी तो बाद एबीपी सांझा की टीम ने जदों इन्हां दे घर पहुंच की तो कई तरह दी जानकारियां सामने आईयां ने। गलबात दौरान अमनदीप की पत्नी ने रिंदा नाल अमनदीप के तार जुड़े होने बारे कोई भी जानकारी होने तो इनकार किया है। हालांकि अमनदीप की पत्नी ने एक खुलासा जरूर किया कि करनाल च हथियारों समेत फड़ी गई अनुवाह कार अमनदीप की सी, जो कि लंबे समय तो टैक्सी ड्राइवरी का काम करता है। किंदी वाइफ हो? अमनदीप सिंह दी। अमनदीप सिंह ते उनका ब्रदर इसे घर च ही रहिंदा सीगा? की नाम सीगा उनका? ब्रदर तो गुरप्रीत सिंह आ, पर वो इत्थे नहीं रहिंदे। उन्होंने तो टैक्सी चला रहे सीगे। तो मैं लगता है मेरी मैरिज में 4 साल हो गया, उस तो पहला दे चलांदे हुए। ये जेडी इनोवा गड्डी फड़ी गई है गुरप्रीत चलांदा सी? नहीं, मेरे हस्बैंड जी है। अमनदीप की पत्नी मुताबक उसका बड़ा भरा गुरप्रीत पिंड बिंजू विच नहीं रहता, क्योंकि गुरप्रीत नूं परिवार वालों पहला ही बेदखल किया होया है। नहीं, अमनदीप सिंह दे नहीं है। गुरप्रीत ते कोई पर्चा दर्ज है ना ब्रदर ते? हाँ है सी जी। हाँ जी, तो बोल चाल दे कितने सी गुरप्रीत? पता नहीं, मैनू इत्थों दा घरों तो बेदखल किया होया सी, बाकी नहीं पता उन्हां दा। पिंड बिंजूके के नंबरदार नसीब सिंह के मुताबिक अमनदीप ते गुरप्रीत के माता पिता की छोटी उम्र होंदिया ही मौत हो गई सी, इसलिए दोवां नूं दादी ने ही पालिया। जो कि अमनदीप चंगे सुभाअ दा दस्या जा रहा, पर गुरप्रीत उत्ते जलंधर च कई तरह के मामले दर्ज ने, जिस कारण उस नूं परिवार ने बेदखल कर दिता सी। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਕੱਠੇ, ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈਗੇ? ਨਾ, ਦੂਜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੇ ਤੇ। ਗੋਪੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜਾ 3-4 ਮਾਮਲੇ ਉਹਦੇ ਦਰਜ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੇਦਖਲ ਘਰੋਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੀਪੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੀਪਾ ਬਸ ਠੀਕ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮਿਲਨਸਾਰ ਮੁੰਡਾ, ਮਿਲਨਸਾਰ ਮੁੰਡਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦਿਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਆਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਜੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੰਮੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਡੈਡੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਮਿੰਦਰ ਵੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਖੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਸਬਾ ਮੱਖੂ ਦੇ ਵੰਜੋਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਮੱਖੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਮੱਖੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਸਵੀਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਖੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੰਜੇਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੱਖੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਚੌਥਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤ 'ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਇਸ FIR ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੇਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਡਰੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣੇ, ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਬੈਠਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਿੰਦਾ।
दहशत की साजिश को अंजाम देने दे लिए फिरोजपुर तो निकले ये चारों मुलजम सरहद पार बैठे हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के कहन के मुताबिक काम करते सन। पैसों का लालच इन्हों दिता जाता सी, पर तुम दसद इस रिपोर्ट के आखिर कौन है हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा जो पंजाब अते भारत के दहशतगर्दी साजिशा अंजाम दिता रहा है। हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा एओ मुलजम है जिहड़ा पाकिस्तान च बैठा भारत खिलाफ साजिशां कढ़दा है। रिंदा उत्ते पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दे विच विद्यार्थी चोणां दौरान गोली चलाउण दे इल्जाम लगे सन। अक्तूबर 2016 दे विच विद्यार्थी विद्रोह प्रदर्शनां च शामिल हुंदे विद्यार्थी सियासत दे विच हिस्सा लैणा शुरू कर दित्ता। ओह विद्यार्थी राजनीति दे विच अपनी दहशत अते प्रभाव फैलाउणा चाहुंदा सी। हरविंदर सिंह रिंदा मौजूदा समय पाकिस्तान दे विच रहिंदा है। पंजाब दे तरन तारन दा उह रहिण वाला है। 11 साल दी उम्र दे विच परिवार दे नाल नांदेड़ शिफ्ट हो गया सी। 18 साल दी उम्र दे विच रिश्तेदार दे कतल दा इल्जाम लग्या। नांदेड़ दे विच वसूली करन दे इल्जाम लगे। नांदेड़ च वसूली दौरान दो लोगों के कतल के इल्जाम भी लगे। कतल जबरी वसूली और असला एक्ट के चंडीगढ़ दे विच करीब 3 केस दर्ज ने। पंजाब भर के विच तां दर्जना पर केस रिंदा खिलाफ पेंडिंग ने। मौजूदा समय हरविंदर सिंह रिंदा पाकिस्तान दे विच है। रिंदा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की सुरक्षा हेठ रह रहा है। रिंदा भारत खासकर पंजाब दे विच अपनी गतिविधियां लगातार चला रहा है। पाकिस्तान में पंजाब का एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंदा, जिसका कि कई केसों में नाम आ रहा है, वो ISI के हत्थे चढ़ चुका है और वो नांदेड़ का रहने वाला है। नांदेड़ में उसके खिलाफ हत्या के कई केस दर्ज हैं। पंजाब में हत्या और फिरौती के कई केस दर्ज हैं। वो मोस्ट वांटेड था, लेकिन उसको अपने एनकाउंटर का डर था, इसलिए वो पाकिस्तान भाग गया था। तो ISI रिंदा को लगातार इस्तेमाल कर रही है। रिंदा का कनेक्शन, वो सिख युवक है, अब 68 हो गया, बाल कटवा दिए गए हैं और उसकी प्रेमी का जो अमृतसर की रहने वाली थी उसको भी वो लाहौर बुला चुका है। और इसकी इंफॉर्मेशन ना सिर्फ रॉ को है बल्कि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी है। और ISI के इशारे पर लगातार पाकिस्तान से पंजाब में और हिंदुस्तान में वारदात करवाने के लिए ना सिर्फ अपने मॉड्यूल मुहैया करवाता है, जो गुर्गे उसके लिए काम करते थे उनको जो है वो इस काम के लिए इस्तेमाल करवाता है भारत में, बल्कि पाकिस्तान से हथियार गोला बारूद भी लगातार भेजता है। यह बात पहले ही एजेंसियों को मालूम है। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਿਡ। हरविंदर सिंह रिंदा पाकिस्तान दे विच लुकिया होया है, पर उसका मकसद भारत दे विच दहशत फैलाउणा है। तो वार वार कोशिश भी करता रहिंदा है। उसते कई मामले दर्ज ने। केड़े केड़े ने मामले ते ओ क्यों भारत दी मोस्ट वांटेड लिस्ट दे विच है, ये भी जानते हैं इस रिपोर्ट दे विच। अमृतसर दे सरहदी पिंड तरोए कलां तो पंजाब पुलिस दी स्पैशल टास्क फोर्स STF ने बारूद दी भारी खेप बरामद कीती है। पांच किलो IED, 2 किलो 700 ग्राम RDX, 1 किलो 300 ग्राम मेटल बॉल, डेटोनेटर, डिजिटल टाइमर, कोडेक्स तार, 1 लाख की इंडियन करंसी। ये सारा विस्फोट एक बैग में दबिया हुआ सी।
अमृतसर के तनोए कलां तो पहला इस तस्वीर ने हड़कंप मचाया। यह तस्वीर गुरदासपुर विचों बरामद हथियारों सने मुलजम की है। गुरदासपुर के लखनपाल पिंड के अमरदीप की निशानदेही उपर 13 जनवरी को भारी हथियार बरामद हुए सन, जिन्हां दे विच 2.5 किलो RDX, एक डेटोनेटर भी मिलिया, कोडेक्स तार, तारा समेत 5 विस्फोटक फ्यूज, AK-47 के 12 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। 22 नवंबर 2021 पठानकोट में आर्मी कैंट के गेट उपर ग्रनेड हमला होया सी। इस धमाके को लेकर नवांशहर पुलिस ने 10 जनवरी को 6 मुलजम गिरफ्तार किए सन, जिन्हों को 6 हैंड ग्रनेड, 1 पिस्तौल, 1 राइफल, जिंदा कारतूस और मैगजीन भी बरामद हुए सी। ये सारे हथियार 10 जनवरी को बरामद हुए और 6 मुलजम पठानकोट ग्रनेड हमले को लेकर गिरफ्तार किए गए सन। December 18 को तरन तारण के भिखी विंड पिंड वाह तारा सिंह नेड़ों पाकिस्तानी ड्रोन बरामद होया सी। इत्थे BSF की चौकी BOP वाह नेड़े एक पाकिस्तानी ड्रोन डिग्गिया। BSF की 103 बटालियन ने ड्रोन कब्जे में लिया सी। इस तो पहला 3 दसंबर को पंजाब पुलिस ने गुरदासपुर के सरहदी जिले के पिंड सलेमपुर अराइया तो बरामद की एक बोरी में छुपाए हुए 4 हैंड ग्रनेड और एक टिफिन बंब बरामद किया। पिंड सलेमपुर अराइया नेड़े टी पॉइंट से चैकिंग दौरान SHO सदर गुरदासपुर को सड़क किनारे झाड़ियों एक शक्की बोरी बरामद हुई सी। बोरी की चैकिंग करते उस छुपाए हुए 4 हैंड ग्रनेड और एक टिफिन बंब बरामद होया। इन घटनावां तो पहला 22 सितंबर को तरन तारण तो टिफिन बंब बरामद होया। इतने कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, जिन्हों को कई होर भी हथियार बरामद हुए सन। 18 सितंबर को फाजिलका के धर्मपुरा पिंड के खेतों में टिफिन बंब लिया। 20 अगस्त को फगवाड़ा तो टिफिन बंब लिया। इस सब 9 अगस्त को भी भारत को दहलाने सरहद पार तो आई मौत के समान पंजाब पुलिस ने बरामद किया, जो अमृतसर के पिंड डालेके के सरहदी खेत्र में पहुंचा। इस IED टिफिन बॉक्स सी, जिस विच करीब 2 किलो RDX वरत्या गया सी, 5 हैंड ग्रनेड, 100 कारतूस और 3 डेटोनेटर भी बरामद किए गए सन। साड़ी इस खास पेशकश दे विच अज दे लई इन्ना ही। मैनू दिओ इजाजत, पर देश दुनिया ते पंजाब दी हर वड्डी खबर देखण दे लई देखदे रहो ABP सांझा।